अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं अपने टॉपिक को मास्किंग को, कि इलस्ट्रेटर में मास्किंग कैसे करते हैं। और एक क्वेश्चन था पिछले टॉपिक का, उसको क्लियर करने जा रहे हैं। तो मास्किंग को समझने से पहले आपको कुछ मोड्स को समझना पड़ेगा। बॉटम पे आप लोगों के टूल मेन्यू के, बॉटम पे आप लोगों के तीन मोड्स हैं, ठीक है। जब हम लोग अपने शेप्स को बना रहे थे पिछले पाथ फाइंडर में, तो हम लोगों को शेप का इशू आ रहा था कि कुछ शेप्स अपर लेयर डाउन लेयर बन रही थी। उस शेप को हम लोग ड्रा करने से पहले उसके एडजस्टमेंट मोड सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी मोड रखनी है। अगर तो मेरी मोड पहली सिलेक्ट है, तो मेरी जो नेक्स्ट शेप होगी वो उसके अपर 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 बनती जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में मैं एक सर्कल ले रहा हूँ, इसका कलर अभी ब्लू है। मैं एक सर्कल और ले रहा हूँ, इसका कलर मैंने कर दिया ब्लैक। वो उसके ऊपर शेप क्रिएट होगी। अब मैं चाह रहा हूँ मेरी इसी तरह ब्लू की तरह शेप इसके बिहाइंड क्रिएट हो, तो मैं जाके अपनी नेक्स्ट मोड लूंगा ड्रॉ बिहाइंड। अब मैं अपना जो सर्कल क्रिएट करूंगा वो इसके बिहाइंड जाएगा। मैं यहाँ से इसको क्लीन कर दूँ, ठीक है। मोड सेट हो गई और यहाँ से जाके मैंने सर्कल ड्रॉ किया था, वो उसके बिहाइंड गया। इस तरह आप यहाँ से अपनी मोड को सिलेक्ट करके अपनी शेप्स को ड्रॉ करते हुए अप एंड डाउन स्टार्टिंग बेसिस पे कर लें। जब हम इसको स्टडी कर लेंगे अपने लेयर पैनल को, तब आपको यहाँ मजीद ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। लेयर पैनल हमारे अभी लास्ट टॉपिक्स में से है, क्योंकि उसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपको वर्किंग आनी चाहिए, फिर आपके एडजस्टमेंट लेयर पैनल से इजिली हो जाती है। नेक्स्ट जो टूल है वो हमारे पास है कि हम लोगों ने एक ड्रॉ इन साइड्स। आप लोगों ने अक्सर शेप्स को देखा होता है कि आपकी जो शेप्स हैं वो गलत फिल होकर इन साइड अप्लाई हुए होते हैं। एज एग्जाम्पल के तौर पर बैकग्राउंड एक क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैंने यहाँ से एक बड़ा सा रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। और यहाँ से नेक्स्ट मूव में ले रहा हूँ मैं एक सर्कल, और सर्कल मैंने यहाँ से शेप अप्लाई कर दिया। यहाँ पर मैंने अपनी मोड सेलेक्ट किया थर्ड ड्रॉ इनसाइड, कि मेरे शेप के अंदर ही जो चीज़ ड्रॉ होगी वो शो होगी, इसके बाहर वाली शो नहीं होगी। जैसे मैं एक सर्कल ले रहा हूँ, मैंने सर्कल को यहाँ से रेड कलर कर दिया, ठीक है। एक सर्कल और ले रहा हूँ यहाँ से, मजीद ये मेरे बॉटम में है, ठीक है। पैटर्न हम लोग अक्सर ये बैकग्राउंड हम लोग अक्सर पैटर्न देखे होते हैं कि एजेस पे जाके मेजर शेप के बाहर वो चीज़ें खत्म हो जाती है, ठीक है। इसको रैंडमली क्रिएट करो, ये बेनिफिट होता है हमें ड्रॉ इन साइड टूल को यूज करने का। ये बहुत सारी सिंपल है, असल हमारी जो मास्किंग है वो जाके फोटोशॉप में होगी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्लिप मास्किंग की एक ऑप्शन अवेलेबल है, उसको हमारे मास्किंग ही कंसिडर करते हैं। तो ये थी हमारी आपकी शेप्स की मास्किंग। अब बात करते हैं, आप लोग अक्सर इलस्ट्रेटर में डिजाइन बना रहे होते हैं, तो आपको एक शेप चाहिए होती है उसमें कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट के तौर पर आप शेप्स लगाना चाह रहे हैं, इलस्ट्रेटर में आपको नहीं समझ आती। मैं उसकी एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ एक पिक्चर एक्सपोर्ट की है अपनी, एज अ फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, यहाँ पर इसको यूज करेंगे। और मैं इसका साइज थोड़ा सा इसके एडजस्ट कर लूँ, ताकि साइज इसका बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है। और इसको शेप में जाने से पहले आप लोगों को एक पैनल पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंसी पैनल। विंडोज में जाके आपको लास्ट पे ट्रांसफॉर्म के नीचे ट्रांसपेरेंसी पैनल मिल जाएगा, जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल F10 प्रेस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो मोड है आपकी पैनल की एक्टिव होकर आपकी डिस्प्ले में आ जाएगी। इसके लिए आपको जरूरी है कि आपकी जो इमेज है वो आपके ऑब्जेक्ट जिसमें आपने लगानी है उसके बैक साइड पे अवेलेबल हो। जैसे कि सर्कल अवेलेबल है, मैं इसकी पिक्चर के ऊपर सर्कल लगा रहा हूँ, और अब मैं इसको चाह रहा हूँ कि जो मेरा बैकग्राउंड इमेज है वो इस सर्कल के तौर पर सिर्फ नजर आए, बाकी सारा उसका पार्ट खत्म होकर हाइड हो जाए। मैं पहले सर्कल सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर आके अगर मास्किंग क्लिक किया तो मेरा ऑटोमेटिकली जो बैकग्राउंड इमेज थी वो शेप में कन्वर्ट होगी। लेकिन अभी थोड़ी सी ब्लर नजर आ रही है। ब्लर नजर आने की वजह कि हम लोगों ने जब भी शेप के अंदर कन्वर्ट करना हो किसी पिक्चर्स को, किसी आर्टवर्क को, तो उसके लिए हम लोग अपने ऊपर जो शेप लेते हैं उसको हमने व्हाइट कलर में ले ली। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ और डीसेलेक्ट करके कलर शेप को यहाँ से जाके व्हाइट कर रहा हूँ, और अब मैं इसकी मास्किंग करता हूँ अगेन। आप देख सकते हैं मेरी इमेज की जो है मास्किंग वो बिल्कुल एक्यूरेट और क्लियरली आई, और मैं इसको मूव कर पा रहा हूँ अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को। आप इसको लेयर के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। तो बड़ी सिंपल इजीली सी टॉपिक है मास्किंग का। उसके बाद आपको यहाँ मोड मिल जाती है कि आप यहाँ से मोड, डार्क मोड यूज करके उसकी कलर कॉम्बिनेशन के तौर पर, अगर आपने इसकी मोड लगानी है तो आप यहाँ से उसकी कलर लेके मोड इसके एक्टिव कर सकते हैं।
शेप की ओपेसिटी भी आप कम कर सकते हैं कि आपको कितने परसेंट इमेज शेयर चाहिए, उसके यहाँ से आप 100 कर लें, 90 कर लें, डिपेंड ऑन योर इमेज आप इसको यूज कर सकते हैं। दो पार्ट है यहाँ पर, आपको चेक लगा हुआ क्लिप के ऊपर, अगर आप क्लिप के ऊपर चेक खत्म करते हैं तो आपका जो क्लिप है वो खत्म हो जाएगा, जस्ट शेप रहेगी, ठीक है। एक ये है, दूसरा आप इसको इनवर्स मास्किंग कर सकते हैं, अगर मैं क्लिप खत्म करती हूँ तो आपका जो अंदर वाला पार्ट है वो खत्म हो गया, जस्ट शेप जो है वो मूव हो रही होगी, ठीक है। इसको हम इनवर्स मास्किंग कहते हैं कि आपने जिस पार्ट पर सर्कल लगाया वो रिमूव करके बैकग्राउंड पर कलर यूज किया जाए। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे इसके बिहाइंड पिक्चर के ड्रॉ करूंगा एक चीज, मैंने ये अप्लाई किया और मैंने कलर कर दिया यहाँ से रेड, ठीक है। और एक सर्कल और क्रिएट करते हैं, यहाँ से इमेज को डिलीट कर रहे हैं और इस पार्ट को डिलीट कर रहे हैं, एक बड़ा सा सर्कल इसके बैकग्राउंड में मैंने कलर चेंज के साथ लगा लेते हैं, इसको कलर कर लेते हैं यहाँ से रेड, ठीक है। एक अब मैं इसके ऊपर पिक्चर इम्पोर्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर एक कलर मैंने ले लिया व्हाइट के साथ, ठीक है। और अब मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ अपनी मास्किंग, इमेज सेलेक्ट की है हम लोगों ने यहाँ से और अप्लाई की है मास्किंग, ठीक है। अब मैं यहाँ से इनवर मास्किंग कर देता हूँ तो मेरे पास क्लिपिंग खत्म कर देता हूँ तो मेरे पास जो बैकग्राउंड की शेप है वो वहां पर शो होकर नजर आने लग जाएगी, ठीक है। क्रिएट करते हैं यहाँ से, ये सिंपल मास्किंग अवेलेबल है। अभी मैं आपको बता दूं मास्किंग अप्लाई करने के लिए, पिक्चर को इम्पोर्ट किया आपने अपनी, उसको अपने बैकग्राउंड पे रखना है और नेक्स्ट आपने जो अपनी शेप है उसको कोई भी आपकी शेप होगी वो आपने यहाँ ड्रॉ करके कलर व्हाइट रखना है, पहले शेप सेलेक्ट करनी है, फिर आपने अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है और फिर जाके अपने विंडोज में जाके ट्रांसपेरेंसी पैनल ओपन करके यहाँ से मास्किंग करेंगे तो आपके जो ऑब्जेक्ट है वो उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। हम सिंपल सी मास्किंग अवेलेबल यही है जिसको हम लोग मास्किंग पैनल कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी आपको।